चलो। गुड मॉर्निंग क्लास 7। कल हमने आपको आपके फर्स्ट टर्मिनल यानी त्रैमासिक परीक्षा की लीड शीट और सिलेबस भेज दिया है आपके मोबाइल नंबर पर। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप संपर्क दूसरे बच्चे से करें, नहीं है उसके बाद यहां से कर लें तो आपको समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। अब आपको करना क्या है, आपके इस मोबाइल पर ही आप पेपर आएगा डेट बाय डेट। जैसे 1 तारीख को आपका जो भी पेपर होगा वो ही डेट 1 तारीख को आपका सुबह पहुंच जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है तुम्हें ये भी देखो, एक रजिस्टर लेना, A4 साइज का अच्छा कागज सफेद होना चाहिए और उस कागज के बीच के पंच निकाल लें, पंच निकाल के बीच का पेज निकाल लेते हैं, जैसे कि आप लोग टेस्ट में करते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं उसी में। तो आप बड़ा बड़ा नाम लिख देते हैं, वो नहीं, ऊपर लिखिए अपना सुंदर सा नाम, मोबाइल नंबर, क्लास और कौन सा विषय है। 1 तारीख को कर रहे हैं तो 1 तारीख डाल दिया, 2 वह तो 2 डाल दी और उसकी डेट, मतलब अपना नाम, मोबाइल नंबर, क्लास और सब्जेक्ट और डेट, ये 5 ऊपर लिखेंगे और यहीं से शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डालकर, 1 डाल दिया उसका आंसर, तो ऐसे ही हम पूरा पेपर कर देंगे। लेकिन घर पर ईमानदारी से करेंगे, ये नहीं है कि जी किताब खोल ली, वो किताब खोल लिया, उनसे पूछ लिया, उनसे पूछ लिया, तो वो नहीं चलेगा आपका। और चलेगा तो धोखा आप अपने आप को दे, आप अपनी जो देखिए इंटेलिजेंस हमारी क्या है। अब क्या करना है, एक और चीज हम आपको आज भेजेंगे, आज भेज देंगे शाम तक, तो उसमें आपको करना क्या, उसके निर्देशों को देखना और पढ़ना। तो उसमें एक विशेष पॉइंट दिया है कि आप अपना यहां आकर नाम जरूर रजिस्टर करा दें, प्रवेश, जिसमें प्रवेश लिखा हुआ है। जैसे क्लास 6 में थे, अब 7th में आ गए, तो आपको देखते होंगे कि उसमें हम 7th में आके अपने अटेंडेंस रजिस्टर पे नाम लिखाते हैं, तो ऐसे ही रजिस्टर पे नाम लिखवा दें। उसकी कोई फीस नहीं लगेगी, जैसे आप सोच रहे हैं फीस देने पर, फीस नहीं लगेगी, फीस केवल आपकी मार्च पिछले साल की 2020 मार्च जो आपका पेपर चल रहे थे पोस्टपोन्ड हो गए, वहीं तक की फीस पूरे मार्च महीने की लग रही है। अब आपको सब्जेक्ट में देखें तो इसमें हमारे 1 to 5 लेसन आ रहे हैं, मैथ में, हिंदी में, हिंदी 2nd में भी 1 to 5 है, ज्योग्राफी में 2 लेसन है, हिस्ट्री में 2 है और सिविक्स में 2 है। तो ये आपको उसमें लिखा हुआ है, फिर भी मैंने आपको पार्ट बता दिया। अब कुछ बच्चे जो कहते हैं सर जी हमको ये मैथ नहीं समझ में आया, तो वो आप अपना स्कूल में आए, एक स्लिप पर नाम लिखें, एक्सरसाइज लिखें, क्लास लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और उसमें लिख दें कि ये चीज हमको समझ में नहीं आई, तो वो हम आपकी कमियां दूसरे दिन आपकी पूरी कर देंगे। हो सकता है हमारे सामने पहले ही आ जाए तो हम उसी समय कर दें आपकी कमियों को दूर। तो हर एक सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि केवल मैथ के लिए मैंने बोला है, आपकी जो भी आवश्यकता पड़े वो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ। ये नहीं है कि हमें सब तो आता लेकिन हमने जरूर जबरदस्ती उसमें लिख दिया, हमारे मोबाइल में जरूर आ जाए, ऐसा नहीं। तो अब हम एक तुम्हारे पास 6 में आपने एलजेब्रा पढ़ा था, तो वो एलजेब्रा यहां भी है, कल आपके सामने पूरा मैंने खत्म किया था, तो लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं कि एलजेब्रा में हम क्या करते हैं। तो एलजेब्रा में हम अपने साइन की तरफ ध्यान रखेंगे, अल्फाबेट को ध्यान देखेंगे, बस उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन एक चीज और बताए हम आपको, मैथ में आप जो सोचे इसमें से हमें डिजिटें मिल जाए, हरगिज नहीं मिलेगी, आप ध्यान कर लेना,
आपका आंसर सी आंसर अलग आएगा, हाँ मेथड जरूर मिलेगा, मेथड की गारंटी मैं ले रहा हूं, मैं हर एक चीज आपको दिखवा दूंगा, लेकिन अंक नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके हर चैप्टर में आपको एमसीक्यू है, चैप्टर बेस क्वेश्चंस हैं, और आप किस इसमें मेंटल मैथ भी लगा हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करना, देखना उसमें से हो सकता आ जाए, क्योंकि आप हमारे पेपर की स्टाइल तो समझते ही होंगे। ओके, तो अगर आपको किसी भी चीज की परेशानी हो तो आप हमें कल से शुरू कर सकते हैं, बता सकते हैं, और पेपर को बड़ी ईमानदारी से देना होगा।